अरे अमित, बोलिए अमित सर। हाँ बोलिए। क्या बात है? आज बड़े उदास लग रहे हो और चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा है। क्या कुछ हुआ क्या? हाँ सुमित को मेरे दोस्त को ना पुलिस उठा कर ले गई। सुमित को पुलिस उठा कर ले गई? जी अरे सुमित, तो उसने किया क्या था? उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? ऐसा कौन विधायक के सा, लड़के को ना मार के दांत तोड़ दिया था, कपाल पर फोड़ फाड़ दिया था। कहाँ, कॉलेज में? जी अच्छा कॉलेज। हाँ वो यार सुमित थोड़ा सा वो हाफ माइंडेड लड़का है ही, वो किसी से भी झगड़ा कर लेता है। तो उसने विधायक के लड़के पे हाथ उठा दिया? जी मार का पार फोड़ दिया, दांत तोड़ दिया है। हाँ, तो पुलिस उठा कर ले गई उसे। जी कितनी पुलिस आई थी? एक एक पुलिस आई थी? जी कब की बात है ये? यही सु 10-11 बजे सुबह? की बात है। अच्छा, 10-11 बजे आई थी। हाँ तो पुलिस एक ही थी ना? जी अच्छा पुलिस एक थी, तो उसे पुलिस नहीं कहते हैं, उसे पुलिस मैन कहते हैं। क्योंकि पुलिस जो होता है ना, एक समूह होता है, जनरक्षकों का एक समूह होता है, वो पुलिस कहलाता है। ठीक है, तो एक पुलिस हो तो उसे हम सिर्फ पुलिस नहीं कहते, उसे हम या तो जेंट्स पुलिस कह सकते हैं अगर पुरुष है तो, और लेडीज़ है तो लेडी पुलिस कह सकते हैं, या फिर पुलिस मैन कह सकते हैं, और औरत में है कोई तो उसे पुलिस वूमन कह सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि पुलिस एक वचन का शब्द है या सिंगुलर वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक समूह है, बहुत सारे जनरक्षकों का एक समूह है पुलिस। 4-5 हो, 8-10 हो, 20-25 हो, वो एक समूह पुलिस है। और कोई एक बंदा है तो पुलिस मैन है, औरत में है पुलिस वूमन है, या फिर पुरुष में ही है तो जेंट्स पुलिस है, औरत में है तो लेडी पुलिस है। यानी उसे कोई जेंट्स पुलिस उठा कर ले गई है, जी पुलिस मैन कोई आया था। हाँ पुलिस मैन आया था। बड़े दुख की बात है यार। और विधायक के लड़के को उसने मारा है और बहुत दुर्गति किया है उसने ना, जी कपार पर फाड़ दिया है, फिर दांत भी तोड़ दिए हैं। तो अब तो बेल होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि विधायक का लड़का है ना। खैर देखो क्या होता है। हालांकि उसको मैं समझाता था सुमित को कि देख इतने झगड़े मारपीट मत किया कर, हमेशा मतलब वो झगड़े वगैरह कर लिया करता था, है ना। जी बड़े दुख की बात है यार। खैर तुम टेंशन मत लो, है ना, ठीक है वो बेल हो जाएगा उसके तुरंत। ठीक है। इधर उदास मत रहो।